नर्वसनेस थोड़ी सी हो गई थी, जैसे जो नीटनेस थी ना वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, लेकिन ये था कि मैंने थोड़ा बहुत मैनेज कर लिया था। परेशान हो जाता है बंदा, आपको पता है अर्जेंट ऑर्डर्स और ऑर्डर हो और 2 घंटों में आपको रेडी करके देना हो। हालांकि उनकी तरफ से कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन एक टाइम दे दिया वो क्लाइंट ने, तो फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि टाइम से दे देना चाहिए। ये सब जो ऑर्डर्स थे ना, ये मैं वैसे बिना टाइमली सारे कंप्लीट करी थी, जो आजकल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, क्योंकि मज़दूर आ जाते हैं तकरीबन सुबह 9 बजे तक। 4 दिन आए हैं, जिनमें से ये 2 दिन था ना, इस दिन उन्होंने छुट्टी की थी, शायद जुम्मे का दिन था आई थिंक सो, तो उन्होंने छुट्टी की थी, तो इस वजह से फिर मैं इस टाइम पर लगी हुई थी। वरना इस टाइम पर बिल्कुल भी मैं केक नहीं बना सकती, मैं सुबह बना के रख लेती थी, क्योंकि वो आ जाते तकरीबन 10-11 बजे तक आ जाते थे, और फिर जिस टाइम पे इसको डिलीवर करना होता तो मजबूरी थी, अब क्या कर सकते। लेकिन ये था कि केक सेफली माशाल्लाह डिलीवर हो जाते थे, कोई नुकसान वगैरह नहीं होता था। और वैसे भी आप लोग अगर मजबूरी है तो आप लोग एक दिन, वैसे भी बेकरी में 6-6 दिन के पड़े हुए होते हैं, तो यहाँ पर सेम डे बनाना कोई इतनी बड़ी बुरी बात नहीं है।